हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटर्न शनि व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं पुष्कर, सीधा जयपुर से। सुबह 10 बजे निकलना है, ठीक है। तो उससे 12 घंटे पहले हम लोगों ने मीटिंग बिठाई और हम लोग मिले इस कश्मीरी रेस्टोरेंट में जो कि जयपुर में लोकेटेड है। इसका नाम है ज़ारपार और ये लोग वहाँ पे मुझे मिले। मैं वहाँ पे इन लोगों से मिलने गया। भाई गाइज ये देखो, ये जगह पे बैठ के इन लोगों ने खाना खाया था। मैं तो थोड़ा लेट पहुँचा था तो इन लोगों ने रोटी और चावल वेस्ट करने वाले थे भाई, मैंने इसको फटाफट पैक करवा लिया। भाई देखो सच भाई, बस अरे भाई भाई भाई, तो ये लोग वेस्ट करने वाले थे, मैंने सही में बचाया है खाना और ये जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे भाई ये लोग। ज़ारपार करके जगह है, अच्छा टॉप 5 में है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जगह टॉप 5 है ये। कहाँ? ओ भाई भाई ट्रेन जा रही है नीचे से भाई। हाँ यहाँ पे रेलवे की पटरी है भाई, ट्रेन जा रही है भाई यहाँ से। भाई यहाँ पे पटरी है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू भाई। गाइज भाई गाइज, इसके अंदर पानी मिलता है और है ना, हाथ धो सकते हो आप इसके अंदर पानी, इसके अंदर हैंड वॉशिंग। और भाई मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं मिला, ये सब कुछ भी नहीं हुआ इन लोग के साथ में, क्योंकि भाई इन लोगों ने शायद डिमांड ही नहीं करा। यहाँ पे बिठा दिया इनको और ये खाना वाना खिला दिया। पर भाई लिटरली यहाँ पे बहुत नवाश। ये देखो भाई फ़ोटो खींच रही है। ओ भाई क्या फ़ोटो आ रही है भाई, भाई एकदम टॉप के लग रहे हो भाई, टॉप मालूम है ना। ये लोग वहाँ पे ऑलरेडी खाना वाना खा लिए थे, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। थोड़ी देर वहाँ पे व्लॉग्स बनाए जो कि अच्छे बने और फटाफट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए काफ़ी सही क्लिप्स बन गए और हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। गाइस महफिल हम लोग, हाँ भाई आओ आफ्टर यू भाई, भाई फ़ोन तो लो, फोन लो गाइस, फोन लो फोन लो। भाई यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हो आप और यहाँ पे महफिल एंजॉय कर सकते हो भाई, बहुत ही अच्छी जगह है ज़ारपार भाई। छोटू म्यूजिकल ग्रुप परफॉर्म हो रहे हैं भाई, फुल देख लो। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। थैंक यू। मैं मेरी गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और मैं आ गया वापस घर। घर आने से पहले मैंने भी है ना थोड़ा सा खाना अपने लिए पैक करवा लिया। भाई अभी अभी आया हूँ छाबड़ा प्योर वेज रेस्टोरेंट पे आया हूँ। छाबड़ा पे मैंने वीगन सब्जी मंगवाई है, सेव टमाटर और एक और कोई कोफ्ते की सब्जी है, बहुत ही बढ़िया वीगन है। और मुझे यहाँ पे है ना शेफ बाहर ही खड़े थे, उन्होंने मुझे हेल्प भी कर दी। छाबड़ा प्योर वेज पे आया हूँ भाई, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे है ना बस मेरी गाड़ी को सही से लगा देता हूँ, नहीं तो कहाँ यहाँ लगा लूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। छाबड़ाज रेस्टोरेंट से मैंने ना सेव टमाटर की सब्जी और पंजाबी कोफ्ते पैक करवाए थे जो कि वीगन है, बिल्कुल वीगन है और बिल्कुल अच्छे से ऑयल में बना था टमेटो की ग्रेवी के साथ में। तो भाई आज मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है जिस पे लिखा हुआ है गॉड इज लव, गॉड इज लव लिखा हुआ है टी शर्ट पे, यार सोचो। स्वागत है सभी का वापस से व्लॉग में और अब मैं खाना खा रहा हूँ। ये जो मैं लेके आया था प्याज, भेज देना भैया जी एक्स्ट्रा प्याज दे देना, भाई ने याद रखा, भाई ने मुझे प्याज दिया, थैंक यू यार। प्याज प्याज प्याज, विनेगर वाला प्याज, एक एक गोटी, अरे अरे बहनचो विनेगर तो नहीं गिर रहा इसमें से, नहीं नहीं, और दो गोटी, मजा आ गया, तीन गोटी, चार गोटी, चार गोटी प्याज, पंजाबी पंजाबी कोफ्ता करी, व्हाट द फक, पंजाबी कोफ्ता करी खाने वाला हूँ भाई। मैं इसको जरा ऑटो फोकस पे डाल देता हूँ। आ मेरी जान, ऑटो फोकस पे कर दिया मेरा कैमरा, मेरी जान मैंने। देसी बालक गावा के, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, मैंने घर पे आके रिकॉर्ड भी किया था अपने आप को खाना खाते हुए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था भाई, मैं बता भी नहीं सकता इतना ज़्यादा। रोटी, 8 रोटी पैक करवाई थी मैंने, सारी खा ली और उसके साथ में उन लोगों ने प्याज भी बेचा था जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था भाई, क्योंकि मुझे प्याज बहुत पसंद है, जो ढाबे का प्याज जो होता है ना विनेगर वाला। ओम फो भाई ओम फो, भूख लग गई। मैं सोच रहा हूँ मैं भी वही बन जाऊँ जो ऐसे यहाँ पे खाना रखते हैं ना अपने कैमरा के यहाँ पे और फिर खाते हैं।
मकबैंग। देखो ऐसा ऐसा नहीं लग रहा, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मकबैंग हो रहा है, इंडियन मकबैंग। कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता हूँ। सेव टमाटर भाई बहुत ही यमी है। ऐसा ये देखो, ऐसा ऐसा गुस्सा बनाता हूँ मैं, टाको बनाता हूँ भाई, एक सब्जी और रोटी का टाको बनाता हूँ मैं। प्याज वगैरह के साथ में मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद है, वो है एक पेप्सी मैक्स। तो ये हुई ना बात मेरी जान, पेप्सी पी रहा तेरा भाई, ततर 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 ततर। फ्रीजर में रख दी थी आते ही, आते ही मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। और भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको पीने के लिए, रुको एक ग्लास भी लेके आता हूँ। हाँ भाई पेप्सी भी मैंने वहीं से खरीद ली थी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बाहरों में ले चलूं, पेप्सी डल गई है गिलास में। तो ये होता था मेरे दिन का लंच जब मैं स्कूल में था। 10th क्लास में दिन का लंच होता था ये, बाहर की तंदूरी रोटी, ऐसी वाली ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी या फिर दाल मखनी, और बढ़िया पेप्सी होती थी, पेप्सी मैक्स नहीं। पेप्सी होती थी तगड़ी वाली एकदम, जो होती है ना भाई चीनी वाली, फुल पावर मीठा पीता था मैं, सुबह एक पेप्सी शाम को एक पेप्सी, और फिर लंच करने के बाद सिगरेट, तेरे भाई को चाहिए होती थी सिगरेट। हाँ भाई इतनी छोटी उम्र में जब लोग 10वीं के बोर्ड के एग्जाम देते हैं भाई, एग्जाम के साथ साथ मैं सिगरेट पीता था। सोचो भाई एग्जाम भी देता था सिगरेट भी पीता था, एग्जाम भी देता था सिगरेट भी पीता था, पुण्य भी करता था पाप भी करता था, मंत्र भी पढ़ता था जाप भी करता था मेरी जान। तो मैंने ना यार एक गलती कर दी, मैंने ना खाने के साथ में पान नहीं खरीदा। ऐसा खाना आप जब भी खाते हो ना ढाबे से, तो उसमें क्या बहुत मिर्ची होती है, उसके बाद में आपको ज़रूरी होता है एक पान। तो भाई मैं रात को 1 बजे निकल गया यार पान ढूंढने। हाँ भाई सोच के देखो, पान ढूंढने निकल गया मैं रात को 1 बजे। रात को 1 बजे अकेला पान खाने जा रहा हूँ भाई, बस कोई पान की दुकान ओपन मिल जाए भाई, उसके सारे पान खरीद लूंगा। भाई जल्दी से जाना पड़ेगा भाई, मेरा जो घर है ना बहुत दूर है यार सिटी से, तो भाई मुझे ना सिटी में ही मिलेगा पान तो। और रात को भाई सुबह के टाइम तो 1 बजे तो सब सब दुकानें बंद हो जाती है मुझे लगता है। गाइस मिस्टर पान वाला तो बंद हो गए हैं। शिट भाई शुरू किया था दुर्गापुरा गोपालपुरा टोंक रोड पूरी टोंक रोड, फिर सी स्कीम, फिर वो सी स्कीम से सोडाला, सोडाला से वैशाली नगर, वैशाली नगर से अब वापस मानसरोवर, मालवीय नगर से लेके वापस मानसरोवर, पूरा चक्कर लगा लिया, 15-20 किलोमीटर घूम लिया हूँ, एक भी पान की दुकान नहीं मिल रही मुझे। एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, एक भी दुकान नहीं खुली थी पूरे जयपुर में। 15-20 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है अपने फ्लैट से वापस वापस फ्लैट तक आने तक। भाई हर एक दुकान चेक कर ली मैंने, एक एक दुकान बंद थी, मुझे पान नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने बहुत रिग्रेट किया कि यार उसी टाइम ख़रीद लेने चाहिए थे 10 पान। सही कह रहा हूँ, मुझे 10 पान खाने की इच्छा हो रही थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लौट के बुद्धू घर को आए। पान नहीं मिला यार, 1 बजे निकला था और अभी 2 बज रहे, 1 घंटे में पूरा एक व्लॉग बन गया मेरा। आज यहाँ की लाइट नहीं जला रखी इन लोगों ने,
पर कोई बात नहीं, हवा चल रही है बहुत मस्त वाली, बहुत ही मस्त हवा चल रही है भाई। पान तो मिला नहीं, हवा से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अपने एक दोस्त को भेज देना ये व्लॉग, जिसको भी जो भी आपका अच्छा दोस्त है उसको भेज देना। अगले व्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट यंग सैटर्न, बाय बाय। व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने बोला था ना पुष्कर जाएंगे, तो अगले वाले व्लॉग में जो कि इसी का पार्ट टू है उसमें जाएंगे हम लोग पुष्कर, मैं और मेरे दोस्त, और हम लोग भाई फुल मस्ती करेंगे पुष्कर में, क्योंकि पुष्कर है ही इतनी बढ़िया जगह भाई, लेट्स गो।